तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब कल 12 जनवरी थी और ये 12 जनवरी बिल्कुल यादगार रहने वाली है, क्योंकि भाई इंडियन सिनेमा में, चलो ठीक है रोड पे तो ट्रैफिक और रश देखने को मिलता ही है, लेकिन भाई इंडियन सिनेमा में कल इतना भयंकर रश वो भी सिर्फ साउथ साइड से देखने को मिला है, जबरदस्त देखने को मिला है। कल साउथ की ऑडियंस की जेब बहुत बुरी तरीके से ढीली हुई होगी और लोग बिल्कुल कन्फ्यूज आ गए होंगे कि यहाँ जाएँ या वहाँ जाएँ या यहाँ जाएँ, क्योंकि भाई बड़ी बड़ी मूवीज़ भी रिलीज हुई हैं, साथ में छोटी मोटी मूवीज़ भी रिलीज हुई हैं और सभी ने दबा के बिजनेस किया है। इधर कैप्टन मिलर, इधर गंदूर कारम, इधर हनुमान, फिर उधर OTT पे हमें मैरी क्रिसमस देखने को मिले, तो भाई बहुत कुछ था। कल के दिन तो लोग फुल डे बिजी थे और जबरदस्त इन मूवी ने भाई कमाई क्या करी है धड़ल्ले से, जिसमें गंदूर कारम ने फाड़ के कलेक्शन किया है, क्योंकि महेश बाबू स्टारर में थे तो उनका नाम भाई चलता है और उसकी वजह से अच्छा खासा कलेक्शन भी देखने को मिला है। तो अभी इसमें रिपोर्ट में कवर करेंगे गंदूर कारम और कैप्टन मिलर ने क्या कमाई कर रखी है, क्योंकि भाई हनुमान ने जो टक्कर दिया है इनको, भाई तेलुगु से ही बहुत फाड़ के कलेक्शन लेके आया है हनुमान भी। देन उसके बाद भी गंदूर कारम और कैप्टन मिलर कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि भाई मूवी को पॉजिटिव रिव्यू आए हैं लेकिन दूसरी तरफ कैप्टन मिलर को उतने ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू नहीं आए या फिर उतना ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिला है। तो अभी सारी चीज़ों पे नज़र मारेंगे, पहले गंदूर कारम को कवर करेंगे, देन कैप्टन मिलर को कवर करेंगे, कैसा क्या सीनैरियो रहा है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कैसी रही है, कितना कलेक्शन उन्होंने कल फुल डे पर किया है, नाइट इवनिंग जो भी होगा सभी चीज़ों पर नज़र मारेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, गंदूर कारम से स्टार्ट करेंगे। डे टू पर एंट्री मार चुकी है लेकिन कल डे वन की ओपनिंग कैसी रही है भाई, शानदार तबाही वाली धमाकेदार ब्लॉकबस्टर रही है। आई डोंट नो महेश बाबू इतना मतलब पैन इंडिया क्यों नहीं जाते हैं, ये सिर्फ अपने रीजन पे ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि एक इनका जो कॉन्फिडेंस है और वो कॉन्फिडेंस साबित होते नजर आया, क्योंकि भाई पैन इंडिया की जरूरत ही नहीं है इस स्टार को, अपने ही रीजन से, अपने ही डोमेस्टिक रीजन से फाड़ के कलेक्शन किया है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 70% के आसपास रही है फुल डे की, जिसमें मॉर्निंग की 74% रही है, आफ्टरनून की 61% एंड इवनिंग की 69% और नाइट शोज की 75%। तो मॉर्निंग की ज़्यादा ऑक्यूपेंसी रही है, उसके बाद से शायद जनता ने इतना पसंद नहीं किया, लेकिन भाई ओवरऑल दमदार कमाई की है। तो एडवांस बुकिंग कल की थी भाई फाड़ वाली, दमदार कलेक्शन थी, 24,79,00,000 की एडवांस बुकिंग कल डे वन के लिए थी, जहां पर टोटल टिकट 11,17,221 टिकट इन्होंने कल एडवांस बुकिंग में बेचा था। और अर्ली एस्टिमेट आते नजर आ रहे हैं नेट इंडिया से ग्रॉस इंडियन कलेक्शन दोनों को मिलाकर, पहले नेट इंडिया से 42 करोड़ एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 49 करोड़ का, और टोटल कलेक्शन 49 करोड़ का ये मूवी करते नजर आ रही है, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड रिलीज नहीं हुई है, सिर्फ डोमेस्टिक रीजन पर ये रिलीज हुई है तेलुगु पे, और तेलुगु से ही फाड़ के कलेक्शन आया है 49 करोड़ का, ह्यूज कलेक्शन। भाई बात डे टू की करें तो यानी आज सैटरडे, मतलब फर्स्ट सैटरडे और आज सैटरडे है, तो इसका बूस्टर इसे मिलना ही मिलना है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 80% की रही है, एडवांस बुकिंग है आज के लिए भाई साहब 25 से 26 करोड़ के आसपास, और नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट आज के लिए आते नजर आ रहा है 44 से 45 करोड़, ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 52 से 53 करोड़, और टोटल इंडियन टोटल आज एंड ऑफ द डे तक ये कलेक्शन करते नजर आ रही है लगभग 53 करोड़ के आसपास, और पहले दो दिन में नेट इंडिया से हो जाता है 87 करोड़, और टोटल कलेक्शन हो जाएगा इसका 102 करोड़ पहले दो दिन में। ऐसा तबाही है, बिल्कुल तबाही है, क्योंकि सिर्फ डोमेस्टिक रीजन पर इतनी फार लेवल की कलेक्शन करना कोई मामूली बात नहीं है, और साथ में ना कि ये सिंगल रिलीज हुई, अगर ये सिंगल रिलीज होती तो अभी जो 102 करोड़ हमें पहले दो दिन में देखने को मिल रहा है, बाई गॉड ये 130 या फिर 140 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता। भाई गंदूर कारम मैं कहूँगा महेश बाबू की जो फैन फॉलोइंग है एक तरफा मार के लगी और ज़बरदस्त कलेक्शन लेके आए हैं। बात करें कैप्टन मिलर की, यानी भाई कैप्टन मिलर यानी धनुष जो नाम चमकता है, और कैप्टन मिलर के लिए शायद वेट भी था, इसके ट्रेलर को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स भी मिला था, ट्रेलर बहुत ज़्यादा प्रॉमिस भी कर रहा था, लेकिन उतना रेस्पॉन्स नहीं देखने को मिला डे वन पर, लेकिन डे टू पर अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल थी पूरे दिन की 46% के आसपास, जहां मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 40%, आफ्टरनून 40%, नाइट शोज में 64% की ऑक्यूपेंसी, नाइट में ऑक्यूपेंसी बढ़ते नजर आई है। अर्ली एस्टिमेट कल के लिए है ऑल लैंग्वेज को मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, इन्होंने 4 से 5 भाषा में मूवी को रिलीज करा है। अर्ली एस्टिमेट है नेट इंडिया से 8,65,00,000 एंड क्रॉस इंडियन कलेक्शन 10,50,00,000, और टोटल कलेक्शन का लैंड ऑफ द डे तक नजर आ रहा है 11 करोड़ पूरी दुनिया से। भाई साहब तो अच्छा कलेक्शन सिर्फ तेलुगु से देखने को मिल रहा है, बाकी हिंदी में भी उतना रेस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि हिंदी से बहुत ज़्यादा जो रेस्पॉन्स है, मतलब हाईलाइटेड स्पॉटलाइट जो हिंदी ऑडियंस का गया है वो हनुमान की तरफ गया है। अगर हनुमान मूवी रिलीज नहीं होती तो फिर कैप्टन मिलर को अच्छा रेस्पॉन्स मिल जाता, तो भाई
इतना ज्यादा भी रेस्पॉन्स नहीं मिला है। बात करें आज डे टू की कैप्टन अमेरिका क्या चल रहा है, तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 50% की आई है आज के दिन पर, जहां अर्ली एस्टिमेट नेट इंडिया से आज 11 करोड़ के आसपास करते नजर आ रही। ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 13 करोड़, टोटल कलेक्शन 13.5 करोड़ के आसपास ये मूवी आज सेकंड डे पे करते नजर आ रही है। तो ऐसे में पहले दो दिन में नेट इंडिया से कितना कलेक्शन हो जाएगा, 19.65 करोड़, जो बिल्कुल भी अच्छा कलेक्शन नहीं है, एवरेज से भी बिलो एवरेज है। टोटल कलेक्शन हो जाएगा पहले दो दिन में 24.50 करोड़, क्योंकि नाम धनुष जुड़ा है और आई थिंक इसका बजट भी बहुत अच्छा खासा है, और लेकिन जिस हिसाब से इसका बजट है तो उस हिसाब से रेस्पॉन्स तो खैर नहीं मिल रहा है, लेकिन वही चीज़ की क्लैश नहीं होती तो शायद अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलता, अच्छा खासा कलेक्शन मिलता, क्योंकि गंतूर कारम और हनुमान दोनों मूवी फाड़ के कलेक्शन कर रही हैं और महेश बाबू की फैन फॉलोइंग भाई साबित कर रही है जिस हिसाब का वो कलेक्शन करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हनुमान भाई सुपर हीरो बेस पर इस मूवी को बनाया गया है, डिवोशनल कनेक्शन भाई लॉर्ड हनुमान का कनेक्शन वहाँ दिखाया गया है, तो भाई इंडियन ऑडियंस तो पहले उसे ही चुनेगी, दैट्स व्हाई कि वहाँ पर इतना अच्छा रेस्पॉन्स कैप्टन मिलर को देखने को नहीं मिला। तो आपने भाई दोनों में से कौन सी मूवी देख ली, और दोनों ही देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और दोनों देख ली है तो आप में से बेस्ट कौन सी मूवी लगी आपको इन दोनों में से, नीचे कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।